सबको मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं हूं आपके अपने सोल में चबाना और आज हम क्या डिस्कस करने जा रहे हैं, फिर एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक। जब भी आप सुंदर लग रहे होते हैं, खूबसूरत लग रहे होते हैं, अट्रैक्टिव लग रहे होते हैं, या आपने कोई बहुत ही खूबसूरत काम किया होता है, लोग आपकी तारीफ कर रहे होते हैं, या आप कह लीजिए जो लोग होते हैं कहीं भी आपसे जल रहे होते हैं, तो जैसे हम नजरों से प्यार करते हैं वैसे नजरों से नजर भी लगाते हैं। जिसकी जैसी भावना होती है वो आंखों के जरिए ही बाहर निकलती है, और जो सामने वाला पर्सन होता है आंखों के जरिए ही उसको जाके कनेक्ट करती है और प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। इसको कहते हैं नजर दोष, इसको कहते हैं इविल इश्यूज या इविल आई। अब इससे कैसे बचा जाए, पहले तो ये देखते हैं कहां कहां ये नजर दोष हो सकती है। आपके ऊपर हो सकती है, मुझ पे भी होती है। नजर दोष किसी भी पर्सन पे हो सकती है, नजर दोष किसी भी जीवित चीज में हो सकती है, कोई भी हो, इवन आपका पेट क्यों ना हो उसको भी नजर दोष हो सकता है। इवन नॉन लिविंग थिंग जो कि जीवित नहीं होते, जिनमें प्राण नहीं होते, जैसे कि आपका घर, दीवारें, कार, इस तरह की चीजें, वो भी जो है नजर दोष के उसमें आ जाते हैं। तो अभी तो मैं आज के लिए तो आपको यही बताने जा रही हूं कि अगर आपको किसी की नजर लग गई है, या नजर को हम ये भी कहते हैं हाई लगना, अगर आपको किसी की हाई लग गई है हाँ, तो उससे कैसे बचा जाए। पहली बात तो कुछ ऐसा क्यों ना करें कि रोज का एक नियम बना लें सुबह के वक्त, कि घर से निकलते टाइम या दूसरों से बात करते टाइम जब दिन की शुरुआत होती है, तभी इस छोटे से एक जो मैं आपको अभी चीज नुस्खा बताने जा रही हूँ, रेमेडी बताने जा रही हूँ, अगर आप वो कर लेंगे तो आपको नजर लगेगी ही नहीं लगेगी, बिल्कुल भी नहीं लगेगी। ये आप अपने लिए कर सकते हैं, अपने घर में अगर आपके छोटे बच्चे हैं, पेरेंट्स हैं, इवन आपके लाइफ पार्टनर हैं, अगर वो उनको इन सब चीजों में विश्वास नहीं है तो आप उनके लिए ये चीज कर सकते हैं। आपको करना क्या है, आपको करना क्या है, इससे पहले कि मैं आपको ये बताऊं तो मैं बता दूं कि शायद मैंने बता दिया कि नहीं, मुझे याद नहीं है। मैं हूं आपके अपने सोल में छुपाना टैरो रीडर, एस्ट्रोलॉजर एंड स्विच वर्ड्स मास्टर, स्पेल्स करते हैं आपके लिए और न्यूमरोलॉजी करते हैं, बहुत सारी ऑकल्ट रेमेडीज करते हैं जिससे कि आपकी लाइफ की जो प्रॉब्लम्स हैं वो दूर हो जाएं। कंसल्टेशन लेते हैं, बिल्कुल लेते हैं, लेकिन फ्री कंसल्टेशन नहीं लेते, पेड कंसल्टेशन लेते हैं। उसके लिए आपको मुझे व्हाट्सअप करना होगा 9818130040। प्लीज कॉल मत करिएगा, अभी जरा देर पहले भी सिर्फ डायरेक्ट कॉल आया, तो कॉल मत करिए, कॉल उठेगा नहीं, कोई फायदा नहीं है, क्योंकि अननोन नंबर्स हम लोग उठाते ही नहीं है। सीधा आपको क्या काम है आप व्हाट्सअप करिए और वहां पे उसको लिख दीजिए। एंड प्लीज कृपा करके जरूर ये पूछेगा कि आपकी फीस कितनी है, आपकी एनर्जी एक्सचेंज कितनी है। तुरंत से बहुत बड़ी सी चिट्ठी मत लिख दीजिएगा, क्योंकि हम पढ़ते नहीं है, क्योंकि जब हमें किसी की हीलिंग करनी होती है वो एनर्जी एक्सचेंज के बाद ही करते हैं, नहीं तो वो हीलिंग लगती ही नहीं है। ठीक है, मेरे पास कुछ होगा तभी तो मैं आपको दूंगी ना, है ना। जब मेरा बैंक खाली हो जाएगा तो आपको मुझे देना पड़ेगा, वही होता है एनर्जीज। अगर आप किसी तकलीफ में हैं, दैट मींस आपकी एनर्जीज खाली हो गई है, आपकी ताकत खाली हो गई है। अब आपको अपने कुएं को भरना है, अपने ग्लास को भरना है, तो आप मुझसे कुछ एनर्जीज मांगते हैं। तो अगर मैं सबको देती रहूंगी फ्री में तो मेरा कुआं, मेरा ग्लास में तो खाली हो जाएगा ना। तो जो ये एनर्जी एक्सचेंज की प्रथा आज की नहीं है, गुरु दक्षिणा कह सकते हैं इसको, बहुत पुरानी है। तो कृपा करके पहले वो करिएगा, उसके बाद हम लोग कंसल्टेशन करेंगे। चलिए वापस आते हैं टॉपिक पे। अब ये है कि आपको लगता है कि आपको नजर लगती है, नजर लगने का कैसे पता चलता है, तबीयत खराब हो जाती है और मन उदास हो जाता है, सब कुछ सूना सूना सा लगता है, है ना, एक लगता है फीवरिश हो गया है या कुछ इस तरह की चीजें होने लगती हैं। हाँ,
तो हम टॉपिक पे वापस आते हैं। कोई आ गया था, मुझे जरा सा बाहर जाना पड़ा, इसलिए मैंने पॉज कर दिया था। अब आपको ऐसा लग रहा है कि आपकी तबीयत ठीक नहीं है, सुस्ती आ रही है, कुछ करने का मन नहीं कर रहा, नींद आ रही है, मन कर रहा है सो जाओ, कुछ भी ऐसा, सब कुछ बुरा बुरा लग रहा है, तो समझ लीजिए कि आपको नजर दोष है, यानी कि आपको किसी की हाई लग गई है। अब ये हो ही ना, तो इसके लिए आपको रोज सुबह क्या करना है, जरूरी नहीं है कि नहा के ही करेंगे या फिर जो है एकदम उठते ही करेंगे, ऐसा नहीं है। आप आराम से रिलैक्स होके भी अपने, अगर स्कूल में बच्चों को भेजना है या हस्बैंड को भेजना है, या अगर आप ही जो है मेल हैं, आपने अपने जो मॉर्निंग के दूसरे रिचुअल्स करने हैं उनको आप कर लीजिए आराम से, तसल्ली से, इवन ब्रेकफास्ट भी कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद आपको करना है, आपको क्या करना है, आपको लेफ्ट हाथ लेना है, ठीक है, आपको लेफ्ट हाथ लेना है, और इसको जो है एंटी क्लॉकवाइज। कैसे, देखिए ये मैं सेल्फी मोड पे कर रही हूँ, सेल्फी मोड पे करूंगी तो ये ऐसे जाएगा सेल्फी मोड पे, है ना, बट आपको एंटी क्लॉकवाइज करना है। तो आपका जो लेफ्ट हाथ है, आपके लेफ्ट हाथ से आप शुरू करेंगे, लेफ्ट साइड से क्या करेंगे, आपको 7 बार चुटकी बजानी है। क्या करनी है, चुटकी बजानी है, और आपको कहना है क्लियर 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 क्लियर, ठीक है, क्या करना है, 7 बार चुटकी बजा के लेफ्ट हैंड साइड से आपको पूरा जहां तक आपका हाथ जाता है क्लियर 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 7 टाइम्स करना है। अब इसके बाद क्लियर हो गया, अब आपको करना है प्योरिफाई, अगेन से 7 टाइम्स प्योरिफाई 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 हो गया, ये आपका ऑरा प्योरिफाई हो गया। पहले आपने इसको क्लेंस कर दिया, फिर आपने इसको प्योरिफाई कर दिया, अब आपको इसको चार्ज करना है। क्या करना है, चार्ज करना है, आपने वही 7 टाइम्स चार्ज 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 चार्ज, दैट्स इट। इसको करने के बाद यू विल टेक अ लॉन्ग ब्रीथ, सांस लीजिए और थैंक यू करिए, ग्रैटिट्यूड शो करिए डिवाइन को, और आपका ऑरा परफेक्ट है। अब अगर एक दिन पहले किसी की नजर लगी थी तो वो उतर जाएगी, या आगे दिन के लिए पूरा दिन पड़ा है तो आप बिल्कुल सुरक्षित रहेंगे, प्रोटेक्टेड रहेंगे। अच्छा, ये भी मैं बता दूं कि जरूरी नहीं है कि आपने सुबह ही करना है। अब आपने सुबह तो करना ही है, लेकिन इसको अगर आप 2-3 बार और भी करना चाहें, हाँ 3 बार मैक्सिमम, मॉर्निंग आफ्टरनून एंड वाइल स्लीपिंग, रात को सोते टाइम 3 बार आप इसको पूरी प्रक्रिया को सारा दिन में कर सकते हैं। अगर किसी को लग रहा है कि मन ठीक नहीं हो रहा है और लग रहा है कि बहुत नजर हो गई है, नजर दोष हो गया है, तो आप इसको सारा दिन में 3 बार भी कर सकते हैं, ठीक है, ये सिंपल सा उपाय है। हाँ, ये आप जो है अपने जो आपसे छोटे हैं उम्र में उनको भी आप कर सकते हैं, आप उनके लिए उनको कर सकते हैं, और क्योंकि वो अपने आप नहीं कर सकते हैं, ये आपके बुजुर्ग हैं उनको भी आप कर सकते हैं, ठीक है, इजी एंड सिंपल, फाइन। चलिए, नाउ नजर दोष का भी उपाय हो गया है, यू आर प्रोटेक्टेड, बिल्कुल बिंदास होइए, खूब सजिए सवरिए, इंजॉय करिए और खुश रहिए। अभी के लिए बस इतना ही, थैंक यू सो मच, टेक केयर।